हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्शन यानी कि अनिवार्यता और नेसेसिटी यानी आवश्यकता, यानी कि बाध्य होकर कुछ किया जाना पड़े या कुछ करना पड़ता हो या बहुत ही अनिवार्य रूप से उसको करना ही पड़ता है, आवश्यकता होती है उसको करने की, बिना किए काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, एक तरीका मैंने आपको बेसिक में बताया है, बट अब मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ जो इंग्लिश में बनाते हैं। सिर्फ एक सेंटेंसेस के लिए हम 4-5 तरीके से उसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है, मैंने बेसिक में पढ़ाया था ही हैज़ टू बेग, ओके फ्रेंड्स। बट अब एडवांस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके और भी 4 प्रकार होते हैं जिससे हम इंग्लिश बनाकर इसका अनुवाद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+ verb, ओके फ्रेंड्स। यानी हैज हैव के बाद 2 लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस गॉट प्लस इन्फिनिटिव। इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस विदाउट 2 इन्फिनिटिव, मतलब कि इसमें 2 नहीं लगेगा मस्ट के बाद, इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब जो सेकेंडरी वर्ब होगा उसको हम रखेंगे, ओके फ्रेंड्स। और जो चौथा है वो है सब्जेक्ट प्लस कैंट चूज, कैन नॉट और चूज, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट चूज प्लस बट प्लस वर्ब, ओके फ्रेंड्स। तभी हम एक सेंटेंस द्वारा समझते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं कि उसे भीख मांगनी पड़ती है, तो इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। ही हैज टू बेग, ही हैज गॉट टू बेग, ही मस्ट बेग, मस्ट के बाद हम 2 नहीं लगाएंगे, ही कैन नॉट चूज बट बेग, ओके फ्रेंड्स। ये 4 तरीके हैं बनाने के। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे उसे काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क, ही हैज गॉट टू वर्क, ही मस्ट वर्क, ही कांट चूज बट वर्क। उन लोगों को इंतजार करना पड़ता है, दे हैव टू वेट, दे हैव गॉट टू वेट, दे मस्ट वेट, दे कैन नॉट चूज बट वेट। उसे दवा खानी पड़ती है, ही हैज टू टेक मेडिसिन, He has got to take medicine. He must take medicine. He cannot choose but take medicine. उसे सवेरे जल्दी उठना होता है, He has to get up early morning. He has got to get up early morning. He must get up early morning. He can't choose but get up early morning. मुझे घर साफ करना होता है, आई हैव टू क्लीन द हाउस, आई हैव गॉट टू क्लीन द हाउस, आई मस्ट क्लीन द हाउस, आई कांट चूज बट क्लीन द हाउस। उसे ट्रक चलाना पड़ता है, ही हैज टू ड्राइव ट्रक, ही हैज गॉट टू ड्राइव ट्रक, ही मस्ट ड्राइव ट्रक, ही कांट चूज बट ड्राइव ट्रक। जब ऐसे सेंटेंसेस को हमें पास्ट या फ्यूचर में बनाना हो, तो जब ऐसे सेंटेंस पास्ट में आते हैं तो उसमें हम हैज हैव की जगह हैड टू लगाकर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, पास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे, 2+ verb, यानी हैड के बाद 2 लगेगा फिर वर्ब लगेगा। जैसे उसे इंतज़ार करना पड़ा, ही हैड टू वेट। उन लोगों को घर बेचना पड़ा, दे हैड टू सेल द हाउस। मुझे परीक्षा देनी पड़ी, आई हैड टू टेक एग्जामिनेशन।
उसे दवाई खाना पड़ा, he had to take medicine. अगर हम इनको हम फ्यूचर में बोलेंगे तो फ्यूचर में हम स्ट्रक्चर जो होगा उसका यह होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब. तुम बनाएंगे कि उसे दवाई खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू टेक मेडिसिन. तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा या बेचना होगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. तो बेचना होगा, यू विल हैव टू सेल योर हाउस. आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, या फॉर अ व्हाइल की जगह हम फॉर समटाइम्स भी बोल सकते हैं, या यू विल हैव टू वेट अ बीट भी बोल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को किसी भी कीमत पर मैच जीतना पड़ेगा, यू विल हैव टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट. ओके फ्रेंड्स, अभी हम अगर कोई भी बात संभावना में बोलते हैं, संभावना में बाध्यता यानी कि ऑब्लिगेशन या कंपल्शन यानी अनिवार्यता या नेसेसिटी यानी आवश्यकता वाली सेंटेंस संभावना में बोलते हैं तो उसको हम ऐसे बनाते हैं. जैसे आपको दवाई लेनी पड़ सकती है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, आपको कल मेरे घर आना पड़ सकता है, आपको अपना घर बेचना पड़ सकता है. यहाँ पर भी ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और कंपल्शन जैसी बातों का चर्चा हो रहा है, यानी कि बाध्य होकर कोई काम करना पड़ सकता है, यानी संभावना में हम कह रहे हैं तो उसको हम ऐसे बनाते हैं कि आपको घर बेचना पड़ सकता है, यू मे हैव टू सेल द हाउस. उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, दे मे हैव टू वेट. यहाँ पर मे के बाद हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. जब भी हम बाध्यता यानी जो भी काम हम किसी मजबूरी में करते हैं या बाध्य होकर करते हैं या अनिवार्यता में करते हैं, वैसे सेंटेंस को अगर हम किसी संभावना में बोलते हैं तो उसमें मे लगाकर और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तुम्हें दवाई खानी पड़ सकती है, यू मे हैव टू टेक मेडिसिन. उन लोगों को कल मुंबई जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू मुंबई टुमारो. आपको कल मेरे घर आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो. ओके फ्रेंड्स, अभी ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं. नेगेटिव में भी बनाने के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखते जाना, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप सीखना चाहते हैं तो, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना कुछ भी मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, कन्फ्यूज़न रह जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम नेगेटिव पर गौर करते हैं. नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसे काम नहीं करना पड़ता है, तो इस तरह के जो होते हैं सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप अच्छी तरह से एक बार नज़र मार लो, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेगेटिव बनाने के जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस निडंट प्लस इन्फिनिटिव, बट इसमें टू नहीं लगेगा निडंट के बाद. दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस इन्फिनिटिव. तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस गॉट प्लस इन्फिनिटिव. चौथा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव. जो छठा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस नीड प्लस इन्फिनिटिव. यहाँ पर नीड के बाद हम टू लगाते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखा अभी आपने कि ये कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के. पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के भी चार स्ट्रक्चर थे और इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के भी छह स्ट्रक्चर हैं, जिसको आपको इस छह में से कोई भी इस्तेमाल करना है. ओके फ्रेंड्स, बट जानकारी सबकी होनी चाहिए. सबकी जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौन आदमी कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगा ये हमें क्या पता. इसलिए जानकारी होता है तो हमें, जब किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इंग्लिश में वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है. ओके फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है. अभी हम सेंटेंसेस बनाते हुए समझते जाते हैं. उसे कठिन काम नहीं करनी होती है, ही नीडंट वर्क हार्ड, ही हैजंट टू वर्क हार्ड, ही hasn't got to work hard, he doesn't have to
work hard. He doesn't need to work hard. मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ती है. I needn't drive car. I haven't to drive car. I haven't got to drive car. I don't have to drive car. I don't need to drive car. उसे घर में ताला नहीं लगाना पड़ता है. He needn't lock the house. He hasn't to lock the house. He hasn't got to lock the house. He doesn't have to lock the house. He doesn't need to lock the house. उसे प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार नहीं करनी होती है. He needn't wait. He hasn't to wait. He has not got to wait. He does not have to wait. He does not need to wait. Okay friends, तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इतना सारा एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए. तो अभी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, कंपल्शन मतलब अनिवार्यता और नेसेसिटी यानी आवश्यकता वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, और कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं. इन सारे स्ट्रक्चर्स को बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि सभी स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जा सके, आप कर सके, और सभी स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं इसलिए आपको भी जानकारी हो कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कितने सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए. आप लाइक नहीं करते हो देखकर बाहर निकल जाते हो, अपना काम निकलते हो फिर बाहर निकल जाते हो. और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और वीडियो तक वैसे लोगों को शेयर कर दिया कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना.